दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आज इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं सबसे शुरू से, यानी कि ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स क्या होता है, इस कोर्स को कैसे किया जा सकता है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था कौन सी होती है, प्रारूप क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्यक्रम में किन किन पेपर्स को आपको क्लियर करना होता है, इसमें कितने रुपए लगते हैं यानी कि कितनी फीस होती है, संस्था से अगर आप करते हैं तो कितने रुपए आपको वाजिब तौर से देने होते हैं, और साथ ही साथ क्या दो सेमेस्टर का यह कोर्स एक सेमेस्टर यानी कि छः महीने में किया जा सकता है। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, कृपया पूरा वीडियो आप देखते रहें। तो शुरू करते हैं सबसे शुरू से, यानी कि आपके पहले सवाल से कि ओ लेवल कोर्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, NIELIT formerly known as DOEX Society द्वारा प्रायोजित ओ लेवल एक वर्षीय कंप्यूटर कोर्स है। ओ लेवल का कोर्स आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी दक्षता अंग्रेजी में नहीं है तो आप हिंदी माध्यम से भी यह कोर्स कर सकते हैं। मैंने बताया कि यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम है, एक वर्ष में दो सेमेस्टर में विभाजित है, जिसमें कुल मिलाकर चार पेपर आपको क्लियर करना होता है। परीक्षा का आयोजन वर्ष में दो बार होता है, प्रायः जनवरी और जुलाई में होता है और प्रायः दूसरे शनिवार यानी कि महीने के दूसरे शनिवार को यह परीक्षा आयोजित होती है। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, अन्यथा अगर आप हाई स्कूल पास हैं, साथ ही साथ आपने ITI पास की है या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से जो इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण के समकक्ष हो, तो आप ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं। किसी भी संस्था या स्वयं ऑनलाइन आवेदन देकर यह कोर्स किया जा सकता है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का पता नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप www.studyvidyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज में दक्ष हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जिनको सी लैंग्वेज आती है, तो आप एक साथ चारों पेपर क्लियर कर सकते हैं, यानी कि दो सेमेस्टर का कोर्स आप एक ही सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज नए अभ्यर्थियों के लिए कठिन होता है, इसलिए जो नए अभ्यर्थी हैं, साधारण जो अभ्यर्थी हैं, वो इसे दो सेमेस्टर में ही क्लियर करना पसंद करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर आपको क्लियर करने होते हैं। पहले सेमेस्टर में दो पेपर इस प्रकार से होते हैं, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम्स, और दूसरा जो पेपर होता है उसका नाम है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पेपर कंपलसरी होते हैं और ये दोनों पेपर आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद बात आती है सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में जो तीसरा पेपर होता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है, यानी कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। इसको आपको सबके, मतलब जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन जो चौथा पेपर होता है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तीन पेपर होते हैं, इनमें से कोई एक पेपर आपको लेना होता है। एप्लीकेशन आप .NET टेक्नोलॉजी, इसको आप चुन सकते हैं, या फिर आप इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्सेज, इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं, यानी कि इन तीनों में से कोई एक पेपर आपको चुनना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे कॉमन रूप से जो लोग इस पेपर को चुनते हैं, लोकप्रिय सबसे अधिक पेपर है इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्सेज। पेपर का प्रारूप क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हर पेपर दो भागों में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए होता है वो 40 नंबर का होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पार्ट बी 60 नंबर का होता है और इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया कि दो बार परीक्षा होती है एक साल में। अगर आप जनवरी के एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर तक आपको आवेदन कर देना चाहिए। उसके बाद भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन तब आपको ₹100 लेट पेमेंट यानी कि विलंब शुल्क आपको देना होता है। वहीं पर अगर आप जुलाई एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 30 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म और फीस जमा कर देनी होती है। अगर आप देरी करते हैं तो आपको विलंब शुल्क के रूप में ₹100 और देने होते हैं। जब आप चारों पेपर क्लियर कर लेते हैं तब आपको एक प्रैक्टिकल और फिर एक प्रोजेक्ट वर्क से गुजरना होता है। जो प्रैक्टिकल होता है फ्रेंड्स, इसमें कभी कभी ये होता है, देखिए ये जो कोर्स होता है ये एक वर्ष का कोर्स है, लेकिन आप इसमें सिर्फ अपना परीक्षा शुल्क जमा करके 6 वर्षों में भी इसे आप क्लियर कर सकते हैं, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार इसे आप क्लियर कर सकते हैं। चार पेपर देने के बाद
चाहे भले ही उसमें से कोई एक पेपर आपका क्लियर ना हुआ हो, आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं, लेकिन जब चारों पेपर आपके क्लियर हो जाते हैं, देन आफ्टर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, और सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। रिजल्ट जो होता है वह ग्रेड के आधार पर डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें यस, ए, बी, सी और डी ग्रेड मिलते हैं। अगर आपने 85% से अधिक अंक हासिल किया तो आपको यस ग्रेड मिलता है, अगर आप 75% से 84% के बीच में हैं तो आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड के लिए 65% to 74%, सी ग्रेड के लिए 55% to 64%, डी ग्रेड के लिए 50% से 54%। लेकिन अगर आप 50% से कम गेन करते हैं परीक्षा में तो आपको फेल घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रिजल्ट की घोषणा होती है। फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब कृपया नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाकर इस प्रयास को अपना समर्थन दें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।